अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की एक न्यू रेसिपी के साथ जो कि है स्टफ्ड पोटैटोज, और ये बड़े कमाल के और मज़ेदार बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज की जगह आप इनको भी ज़रूर बना के देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल है बहुत ज़्यादा ठंड और उसमें चाय के कप के साथ अगर आप ये स्टफ्ड पोटैटोज भी खाएं तो क्या कमाल की बात है। और ये इतने मज़ेदार और डिलीशियस है। यहाँ पे ये तमाम वेजिटेबल्स ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी थी, अगर आपके पास भी पड़ी हैं तो पकड़ के चॉप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है, बॉयल किया है और उसको श्रेडेड कर लिया है। दो बड़े आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉयल किया है और यूं मैशर से मैं इनको मैश कर लूँगी। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको ना तो बाहर से लेनी पड़ेगी, ना तो आपको कोई चीज़ स्पेशली इसमें ऐड करनी पड़ेगी, आप बच्चों के लिए भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल और हम यहाँ पे थोड़े से चिकन को करेंगे एक मिनट के लिए फ्राई, क्योंकि अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे तो जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होगा। और मैंने यहाँ पे ऐड करती हैं साथ ही वेजिटेबल्स, और यहाँ पे मैं लो फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी एक से दो मिनट के लिए। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली ऐड की है और 1 टेबलस्पून ही मैंने सॉल्ट ऐड किया। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको मीडियम स्पाइस चाहिए तो आप इतना रख सकते हैं। और इसके साथ हम मोर 2 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि हमारी जो आँच है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जल ना पाए। और इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि नमक मिर्च या कोई चीज़ जल रही है या आपको ऐसी स्मेल आ रही है तो थोड़ा सा आप पानी का छींटा ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ टेस्टलेस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पानी का छींटा लगाया, थोड़ा सा हाई फ्लेम करके आप इसको ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई करने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट, क्योंकि इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसकी करेंगे फिर पोटैटोज के साथ स्टफिंग। और आप देख सकते हैं मैंने इसको किया है यहाँ पे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम कर रहे हैं इसको ठंडा, और ठंडा करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे अपने हाथों को ग्रीस ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप मीडियम साइज की कोई भी शेप देने के लिए इसको आप 100 ग्राम के इक्वल आप पोटैटोज का पेस्ट ले सकते हैं। इसमें हमने इसको स्टफिंग की कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको शामी टिक्कियों वाली शेप दूंगी। और ये बहुत ही कमाल के बनते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने ना इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना तो मैंने इसके अंदर प्लेन फ्लोर ऐड किया है, कुछ भी नहीं। ये पोटैटोज हैं और जस्ट वेजिटेबल की स्टफिंग है। और हम इसको करेंगे शैलो फ्राई बहुत ही लाइट आंच पे, और ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये किसी भी तरह खुलेंगे। तो ये बड़े कमाल के बनते हैं, आप चाय के साथ एक नहीं बल्कि 2 कप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल के सीजलिंग और हॉट स्नैक्स हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ आप ये शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शैलो फ्राई कर दिया है इनको, रख दिया है पैन के अंदर, और आफ्टर 2 मिनट लाइट आंच पे रहने के बाद मैं इनको करूंगी टर्न ओवर और ये हो जाएंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। यू कैन सी हम दूसरी साइड को भी वैसे ही पकाएंगे ताकि दूसरी साइड भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही पकी हुई है। तो ये बहुत ही कमाल की, ये आप देख सकते हैं कितने कमाल की बनते हैं। और कोई भी पार्टी स्नैक्स हैं उसके साथ इसका एडिशन भी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये 2 या 3 मिनट्स में एकदम रेडी हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कितने कमाल के हैं। कोरिएंडर से गार्निश करें, सबको सर्व करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की ज़बरदस्त यम्मी और जायकेदार रेसिपीज़ मिलने वाली है। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, आपकी अप्रिसिएशन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और एक नई से नई रेसिपी क्रिएट करने के लिए और भी ज़्यादा गियर अप रखती है।